हरे कृष्णा। गाइस आज हम जाएंगे नंदगांव, और ये जो गलियां आप देख रहे हो, ये जो सड़कें आप देख रहे हो, ये वही नंदगांव की गलियां हैं, वही नंदगांव की सड़कें हैं जहां भगवान श्री कृष्ण गोकुल के बाद नंदगांव में रहने के लिए आए थे। आज का जो नंदगांव है वो कैसा है कैसा नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। तो मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो, ये ऐसे दूर तक आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं पहाड़ों पर बना हुआ है नंदगांव का वो नंद भवन। आज भी ये देखिए सामने आपको दिखाई भी दे रहे होंगे मंदिर दूर से ही। मुझे ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। कभी कभी कोई कोई जगह ऐसी भी होती है जो आपके मन को बहुत ही ज़्यादा शांति और बहुत ही एक अलग अनुभव देती है। और अब हम आ चुके हैं नंदगांव की पार्किंग एरिया में। अभी मैं नंदगांव में आ चुकी हूँ, बाहर से दर्शन करवाती हूँ आप लोगों को। गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये है नंदगांव की छोटी छोटी पतली पतली गलियां जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे पांव से अपने ग्वाल वालों के साथ खेला करते थे। ये वही नंदगांव है। तो ये नंदगांव की गलियां आप देख सकते हो, और यहाँ ना बहुत सुंदर सुंदर दीवारों पर चित्रकारी की गई है जो संबंधित है भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं से। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सुंदर तरीके से यहाँ सजाया गया है दीवारों को भी, जो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है लोगों को भी देखने के लिए। और रास्ते में मिलेंगी आपको ये सजी हुई दुकानें जहां भगवान के श्रृंगार का सारा सामान और पूजा की सामग्री आपको मिल जाएंगी आसानी से। अब हम आ चुके हैं नंदगांव के मेन जो मंदिर है वहां पर। आप देख सकते हैं जो एंट्री गेट है, ये देखिए ये है मेन मंदिर जहाँ श्री कृष्ण, दाऊ जी और माँ यशोदा और नंद बाबा, आप देख सकते हैं साइड में, ये देखिए उनके परिवार की एक पूरा मतलब झलक देखने को मिलती है इस मंदिर में। सब लोग बहुत ही ज़्यादा लक्की हो जो आप सब लोगों को मंदिर के अंदर के दर्शन हुए। और इस मंदिर में ये देखिए आपको इतनी सुंदर अच्छे तरीके से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित और चित्रकारी आपको देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही सुंदर लगता है और मंदिर को बहुत ही सुंदर बनाता है। ये देखिए बहुत ही महीन तरीके से यहाँ पर चित्रकारी की गई है। छत देखिए मंदिर की बहुत ही सुंदर लग रही है। और नीचे आप जो मंदिर का दरवाजा है, ये जो आप देख रहे हैं ये चांदी का बना हुआ है। ये देखिए उनके परिवार की एक झलक देख सकते हैं अंदर, पूरा परिवार है यहाँ, कृष्ण, दाऊ जी और माँ यशोदा, और इधर साइड में नंद बाबा भी हैं। मंदिर के प्रांगण में आप यहाँ पीछे की साइड
आपको सीढ़ियां मिल जाएंगी जिसके माध्यम से आप ऊपर भी जा सकते हैं। बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है ये मंदिर, काफी प्राचीन मंदिर है ये। मैं आ गई हूँ नंदगांव मंदिर की छत पे। व्यू देखो यार यहाँ का, सी द व्यू। ये पूरा मंदिर है, और यहाँ आप दूर दूर तक आप देख सकते हो हरियाली ही हरियाली नजर आएगी आपको, और काफी सारी चीजें यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पास में ही बरसाना है जो यहाँ से सीधा दिखाई देता है। ये जीना है, यहाँ से मैं ऊपर चढ़ के आई। कोकिला वन मंदिर भी है जो दूर से ही यहाँ से दिखाई देता है। कभी कभी आप घूमते घूमते ऐसी जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहां आपको एक अलग ही शांति प्राप्त होती है, और नंदगांव भी उन्हीं जगह में से एक था जहां मुझे एक अलग ही शांति महसूस हुई। यहां के हर गढ़ में श्री राधा और कृष्ण का नाम था, और यहां की हवा उसी तरीके से चंचल थी जैसे भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ के लोग बहुत ही शांत हैं, और हमारे ब्रज को एक बात है जो हर किसी से अलग बनाती है, और वो है राधे राधे बोलना। चाहे कोई भी हो, आप यहाँ ब्रज में राधे राधे किसी को भी बोल सकते हैं, और दूसरा इंसान भी खुश होकर जवाब में आपको राधे राधे ही बोलेगा। ये एक खासियत है हमारे ब्रज की जो हर कहीं नहीं मिलती। ये दर्शन है 84 कोस परिक्रमा का। चलो यहाँ 3 दिन आकर के यात्रा रुकती है। जो जो भगवान ने लीला की है वो सभी स्थलों पर पैदल घूमती है। आप लोगों के पास में 3 दिन रुकने का समय नहीं है, तो आपको यहाँ से सब लोगों को दर्शन कराया जाएगा भगवान की लीला भूमि का। प्रेम से एक बार जय बोलो, नंद बाबा की जय, राधा कृष्ण की। ये देखो वाटर सप्लाई टैंक दिखता है सामने में, उसके नीचे में सरोवर भरा हुआ है। ये कृष्ण कुंड है, भगवान ने अपनी बांसुरी से खोदा, यहाँ से 9 लाख गायों को मीठा पानी पिलाया। जय बोलो कृष्ण कुंड धाम की। जंगल में दूरी पर लाल मंदिर दिखते हैं, आशेश्वर महादेव का दर्शन है, शंकर भगवान का। प्रेम से जय बोलो शंकर भगवान की। ये देखो सामने में टावर के सीध में सफेद कलर के मंदिर दिखते हैं दूरी पर, वो कोकिलावन धाम है, शनि महाराज का स्थान है। जय बोलो शनिदेव धाम की। अब देखो बाबूजी सुनिए, ये राधा कृष्ण का बैठक है। सुनिए बाबू, यहाँ 2 मिनट बैठने का फलो माई, सब लोग 2 मिनट बैठ करके अपना यात्रा पूरा कर। देखा आप सब लोगों ने नंदगांव जो है
वो इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि यहाँ से काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है जो बिल्कुल ही पास पास है। यहाँ से दूर आपको नज़र आ रहा होगा वाइट वाइट कलर का जो बना हुआ है वो मंदिर कोकिला वन है, जहाँ मैं आप लोगों को पहले ही दर्शन करा चुकी हूँ, शनि देव का मंदिर। इसके अलावा यहाँ कृष्ण कुंड बना हुआ है पास ही में, साथ ही यहाँ बरसाना भी है जो यहाँ पास से दिखाई देता है, बट वो दूसरी साइड है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। नंदगांव, बरसाना, ये कोकिला वन, ये सारी जगह आसपास के ही एरिया में है जहाँ आप एक दिन में भी घूमने के लिए आ सकते हैं। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। ये देखिए रास्ता बहुत ही ज़्यादा ढलान पर है, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है जिस टाइम पर मैं गई। ये देखिए गोपाल कंटी माला देख लो, बंसी देख लो भगवान का, राज मंदिरा कतार देख लो भगवान का, सब कुछ ले लो यहाँ से ही। सूजी वाले तो है नहीं भैया, फिर कैसे आटे वाले भी इतने तो आ गया। अब चल रही हूँ घर पे। देखो घर कितने, बता बता कहाँ छुपी जा रही है। देखो एक क्यूट सी लड़की, आजा आजा आजा, जल्दी आ, लाली जल्दी आ, राधे राधे तो बोल दे वीडियो में, जल्दी आ फटाफट, जल्दी आ जी। बहुत क्यूट है लड़की, शर्मीली है। बच्चा आजा। अरे तुझे अपने घर नहीं ले जाऊंगी, डरे मत, चल बाय बाय कर दे, बाय। गाइस आप सब लोगों ने मंदिर के दर्शन किए, thank you।
सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और तो मिलेंगे नेक्स्ट टूर पे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए।